दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतिहास रचने के लिए ही पैदा होती हैं, लेकिन कई बार इतिहास गलत कारणों से रचा जाता है। जिस चीज के लिए इतिहास में उसे रचा जाता है वो तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं हो। 18 अप्रैल 1912, अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश के बीच 40,000 लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे। इस जहाज का नाम था कार्पेथिया और यह जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आया जिसे सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र में समा दिया। और कार्पेथियम पे सवार थे वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रुद्र रूप को अपनी आंखों से देखा। यह इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर ब्रिटेन के साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, टाइटैनिक को देखने के लिए तब करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग आए थे, क्योंकि इसे बनाया इतना आलीशान गया था, इसे बनाया इतना भव्य गया था, इसे बनाया इतना विशाल गया था कि यह देखने वाली चीज थी। यह जहाज जितना भव्य बाहर से दिखता उससे भी ज्यादा आलीशान ये अंदर से था। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे सुरक्षित और मजबूत जहाज था। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसको कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का निर्माण पूरा हो चुका था और फिर 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया गया। जहाज पर उस जमाने के बड़े बड़े लोग सवार थे और इसके अलावा कुछ प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जहाज के कप्तान 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ थे और ये उनका आखिरी सफर भी था, क्योंकि इसके बाद वे रिटायर्ड होने वाले थे। टाइटैनिक को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और इसकी सेफ्टी टेस्टिंग और ट्रायल भी पूरी तरह से नहीं हुए थे। इसके बावजूद टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और जहाज थी जिसका नाम था ओलंपिक। ये देखने में तो टाइटैनिक जैसी थी लेकिन आकार में थोड़ी सी उससे छोटी। मार्च 1912 में टाइटैनिक में तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से उसे बंदरगाह पर रिपेयर के लिए लाया गया। इस देरी के कारण कंपनी का बिजनेस महीनों के लिए ठप हो गया था, इसलिए कंपनी ने अगले ही महीने नए शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला कर दिया। क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और इसलिए इसके क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना अनिवार्य था, इसलिए इसमें ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक अफसर था डेविड ब्लेयर, जिसे हटाकर ओलंपिक से एक अधिकारी को उसकी जगह पर रखा गया। जब डेविड अपने घर जा रहा था तब गलती से वो लॉकर की चाबी अपने साथ ले गया और टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दूरबीन उसी लॉकर में बंद थी। डेविड की एक छोटी सी गलती ने आगे चलकर टाइटैनिक के विनाश में एक अहम भूमिका निभाई और उन दोनों की लापरवाही भी जिन्होंने हैंडओवर लिया था और सारी चीजें लेना भूल गए। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए सीधे रास्ते की बजाय एक ऐसे रास्ते को चुना जहां आइसबर्ग से टकराने की संभावना बहुत कम थी। उस समय जहाजों में आइसबर्ग जैसी रुकावटों को देखने के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से जहाज के सामने की ऊंचाई पर एक क्रूज पॉइंट होता था जिस पर 1-2 लोग हमेशा दूरबीन लेकर तैनात रहते थे जो दूर तक नजर रखते थे कि कहीं जहाज के सामने कोई अड़चन तो नहीं है जिसके टकराने का खतरा हो। जहाज समुद्र में यात्रा करते थे, सभी वायरलेस रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को संकेत देते रहते थे। जब टाइटैनिक ने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली थी तब उसे कोरोना नामक जहाज से आइसबर्ग के बारे में पहले चेतावनी मिली और आइसबर्ग टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। और इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 और चेतावनियां मिली थी। उस रात आसमान में चांद भी नहीं था और क्रूज में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी जिससे वो सामने वाली अड़चन को देख पाते। टाइटैनिक से अब आइसबर्ग केवल 2 घंटे की दूरी पर था। जहाज स्पीड से आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था लेकिन क्रूज पर खड़े 2 अफसर अब आइसबर्ग को देख लेते हैं और फिर घंटी बजाकर आने वाले खतरे की जानकारी
ब्रिज पर खड़े फर्स्ट ऑफिसर तक पहुंचा देते हैं। वो तुरंत जहाज को दूसरी ओर मोड़ लेता है। हालांकि देरी होने की वजह से टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा बर्फ की चादर से टकरा गया और इतनी जोरदार टक्कर थी कि जहाज पर मौजूद हर एक शख्स हिल गया था। जहाज के 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे, उनमें तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर कैप्टन स्मिथ हैरान रह जाते हैं क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही तैर सकता था। जिस जहाज को अब तक कभी न डूबने वाला जहाज समझा जा रहा था, वह अब डूबना आरंभ हो चुका था। रात के 12 बजे कैप्टन ने आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजने को कहा, लेकिन तब वहां कोई जहाज मौजूद ही नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैप्टन ने लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारने का फैसला किया। हालांकि टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे और हर लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों की थी, यानी इसमें केवल 1300 लोगों को बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2000 लोग सवार थे। जल्दबाजी में उतारी गई लाइफ बोट में 27 से 28 लोग भेजे जा रहे थे। तभी टाइटैनिक का एक सिग्नल पास में मौजूद एक अन्य जहाज कार्पेथिया तक पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। पूरी स्पीड से चलने पर भी कार्पेथिया 4 घंटे से पहले टाइटैनिक तक नहीं पहुंच सकता था। अब सवाल था, क्या टाइटैनिक इतनी देर सरवाइव कर सकता है? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पीछे की ओर से हवा में उठना शुरू हो चुका था। और जैसे ही टाइटैनिक का झुकाव बढ़ा, लोगों में हड़कंप मचने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग समुद्र में कूद रहे थे जान बचाने के लिए, लेकिन समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि उसमें कोई भी 2 से 3 मिनट भी नहीं रह सकता था। जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा पानी में समा गया, वैसे ही एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से हवा में खड़ा हो गया और दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए और जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। रात के 2 बजे टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराई में समा जाता है और 1500 से ज्यादा लोग टाइटैनिक पर बचे थे, उनमें से कुछ जहाज के साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के बेहद ठंडे पानी ने अपनी चपेट में ले लिया था। कैप्टन स्मिथ आखिर पल तक टाइटैनिक पर डटे रहे थे और जहाज के डूबने के 2 घंटे बाद कार्पेथिया जहाज बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन केवल 706 लोग ही इस भयंकर हादसे में जिंदा बच पाए। इसके बाद 18 अप्रैल 1912 को कार्पेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां भारी बारिश में 40,000 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इस हादसे से जुड़ी हुई ऐसे सवाल हैं कई, जिनका जवाब लोग आज भी तलाश करते हैं। इस हादसे की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था, तब उस पर सवार हर व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जो टाइम पर आकर मदद कर सकता था, और ये वो कैलिफोर्निया जहाज था जिसने टाइटैनिक को आखिरी बार आइसबर्ग की चेतावनी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैलिफोर्निया टाइटैनिक की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, जबकि उन्हें आसमान में छोड़ी गई फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी? जांच में सामने आया, आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज ने रात में आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठाया और वहीं रुक गया, और साथ ही उसने अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उन्हें टाइटैनिक का सिग्नल मिला ही नहीं। और जब उन्होंने टाइटैनिक से छोड़ी गई फ्लेयर्स देखी, तो उसे देखकर उन्होंने वापस सिग्नल भेजा था, लेकिन टाइटैनिक पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी ने उन सिग्नल को देखा ही नहीं। अगर कैलिफोर्निया जहाज का रेडियो चालू होता तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। इस भयानक हादसे के बाद भी एक सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है कि वो किस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया, वो आखिर पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया? इसका भी जवाब मिला। कई साल बाद टाइटैनिक का मलबा जब मिला, तो देखा गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहाज का अगला हिस्सा अच्छी कंडीशन में था, जबकि पिछला हिस्सा खराब कंडीशन में था, और यह सब पहले हिस्से से 2000 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ था। जब इस जहाज का निर्माण किया जा रहा था, तब इसमें मजबूती देने के लिए जिन रिबेट्स का इस्तेमाल किया गया था, वो स्टील के नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। जहाज बनाने वाली कंपनी ने यह कास्ट कटिंग की कोशिश की। चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसलिए जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया, उस जगह के रिबेट्स
प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुड़े प्लेट्स अपनी जगह से खिसक गए, जिस वजह से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। और इसके अलावा टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग भी लगी हुई थी और यह आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने से पहले ही लग चुकी थी। और इस बात का जीता जागता सबूत है टाइटैनिक की यात्रा से पहले किए गए फोटो, जिसमें जलने का ब्लैक स्पॉट आसानी से देखा जा सकता है। इस आग से टाइटैनिक का वो हिस्सा 70% कमजोर हो गया था और बदकिस्मती से आइसबर्ग भी इसी कमजोर हिस्से पर टकराया, यानी कि आपकी चोट वाली नस को ही आइसबर्ग ने दबा दिया, जिसकी वजह से छेद होना बहुत आसान हो गया और छेद होने की वजह से ही जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। और जिस जहाज में पानी भरना शुरू हो जाए, वो टाइटैनिक हो या कोई और, उसे तो डूबना तय है। और कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र में समा गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।